Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar. This is a continuation video on financial statement of companies. देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ये चैप्टर आपको काफ़ी ईजी लग रहा होगा, नो डाउट, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसको 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा हुआ है. बट देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको ना देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं देखिए अच्छे से फॉलो करने होंगे, राइट. बिकॉज अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो अच्छे से नहीं करे, दैट मीन्स आपको जितने भी यहाँ पे जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हों, चाहे आप बैलेंस शीट बना रहे हों, राइट, ये प्रॉपर आपके जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अकॉर्डिंग ही होने चाहिए. मीन्स आपको जो है हेडिंग सब हेडिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सा आइटम कौन सा सब हेडिंग में आएगा या कौन सा आइटम आपका जो है वो मेन हेडिंग में आएगा, राइट. अगर आपको ये अच्छे से याद होगा सर, दैट मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बाकी तो क्या कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके बिल्कुल सीधी साथ आपको इसमें आपको क्या करना है, टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है. एसेट है तो कौन सी एसेट है, चाहे वो आपकी करंट एसेट हो, चाहे फिक्स एसेट हो, चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, चाहे फिक्टिशियस एसेट हो, राइट. अगर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको इजीली आप ट्रीटमेंट कर लोगे, राइट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9. देखिए याद रखना, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी जो भी हम एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसको साइड बाई साइड हम जो है आपको टिक कर देंगे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ताकि आपकी जो है मिस्टेक ना हो. चलिए क्या गिवन है, देखिए साक्षी लिमिटेड है दी ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. फॉलोइंग आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है. अच्छा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए टोटल ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपये की है, राइट. एंड 2 लाख जो है इक्विटी कैपिटल ऑथोराइज, जिसमें बोला हुआ है कि 10-20,000 तो वो कॉल से नहीं रहोगे, जो कि 5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग है. देन परचेज गिवन है, एडवांस टैक्स गिवन है, सैलरीज गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपको डेबिट बैलेंस गिवन है एंड क्रेडिट बैलेंस गिवन है. अब चलते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन, क्या गिवन है आपको, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000. अब देखिए ऊपर आपको कहीं पर रेंट गिवन है, हाँ गिवन है, इस पर आप टिक कर दो. देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 20% पर एनम. प्लांट देखो कहाँ पर है, प्लांट आपका प्लांटेड कॉस्ट ये रहा, इस पर डेप्रिसिएशन है. देन फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन है, उसको भी टिक कर दूँ. देन मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% पर एनम. ओके, डेटर्स पे भी टिक कर देते हैं हम. इसके बाद है मेक अ प्रोविजन ऑन ऑफ 30% ऑन इनकम टैक्स, वो तो हम प्रॉफिट लगाएंगे. देन द कंपनी प्रपोज अ डिविडेंड एट 10% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट. देखिए क्लास याद रखना, देखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4, अगर देखिए पहले बात तो ये लिखा हुआ है कि ये प्रपोज डिविडेंड अब तक दिया ही नहीं है, तो जब तक देंगे नहीं तब तक ये आपका जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कोई खर्चा तो है ही नहीं, कोई खर्चा तो है ही नहीं ना, राइट. तो इसका मतलब आप इसको कभी इसको आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको शो नहीं करोगे, राइट. हाँ, एक नोट टू अकाउंट में हम इसको मैसेज शो कर सकते हैं, बट वैसे इसको कोई फायदा नहीं है, राइट. देन क्लोजिंग स्टॉक गिवन आपको 10 लाख का, तो देखो स्टॉक को ये रहा, इस पर भी टिक कर दो. ट्रांसफर 1 लाख टू जनरल रिजर्व, देखिए आप यहाँ पर जनरल रिजर्व कहीं गिवन आपको, गिवन है आपको, इस पर भी टिक कर देते हैं. अच्छा, ये डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, प्लांट मशीनरी ये भी टिक कर दो. फर्नीचर गिवन है, इस पर टिक कर दो. देन डिवेंचर जो इशू हुए कब हुए हैं, 1/4/2021 के स्टार्टिंग में हुए हैं. ऑल राइट, अब हम एक बार देख लेते हैं सारे, एक बार इसके बैलेंसेस आपको गिवन है. सिक्योरिटीज प्रीमियम सरप्लस गिवन है. प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको भी जरा टिक कर दो, बिकॉज प्रोविजन आया वहाँ पास. देन इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, इस पर भी टिक कर लो, बिकॉज इनकम टैक्स पे आपको आएगा इसमें आपका, राइट. चलिए अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ. देखिए आपका सॉल्यूशन है, पहले आप सबसे नीचे आप नोट्स टू अकाउंट में आइए. नोट्स टू अकाउंट में देखिए यहाँ पर पहले आपको गिवन, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड कितने हैं यहाँ पर, 1 लाख के हैं एट रुपीज 10, कितने होंगे 10 लाख. 10 लाख में क्वालिफाइन कितने 20,000 ऑफ रुपीज 5 ईच, कितना होगा 1 लाख. तो फाइनल अमाउंट कितना होगा शेयर कैपिटल का, 9 लाख, राइट. देन चलिए हम एक और करते हैं, जो स्टेटमेंट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं. देखिए पहले आपको एडिशन में गिवन है कितना रेंट आउटस्टैंडिंग, तो देखिए इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा आप ध्यान से देखिए. देखिए पहले बात तो देखो, ये आपकी एक लाइबिलिटी देखिए बढ़ गई, एक लाइबिलिटी जो वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और रेंट का आपका खर्चा है,
तो सबसे पहले आप इसको देखो कहाँ लिखोगे, तो खर्चा है तो देखो जब आप नोट्स अकाउंट बनाओगे तब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको आप एक्सपेंसेस में जाके दिखाओगे, ये रहा देखिए रेंट, देखिए आपको कितना गिवन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये रेंट गिवन है आपको 60,000 का गिवन है, तो 60,000 का आपका रेंट यहाँ पर आ गया और प्लस 10,000 आउटस्टैंडिंग टोटल अदर एक्सपेंसेस में कितना गया 70,000। इसके बाद देखिए आपको पता है जो भी एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं उसके हमेशा डबल इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट कौन से किसके होंगे, पूरे 70,000 के नहीं, ये होंगे सिर्फ और सिर्फ 10,000 के, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग से उसी का ही होगा क्योंकि उसी की हमें एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये क्या हो गया, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी हमारी, ठीक है। तो देखिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, करंट लाइबिलिटीज में, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर लिख दिया है, करंट लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, दैट्स इट, ठीक है। देखिए मैं सुनना आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन इसको आप वैसे तो ऑल दो बहुत ईजी होता है, बट आपको एक एक आइटम अच्छे से करना है, जब एक आइटम पूरा कंप्लीट हो जाए तो ही आप आगे बढ़ो, ऐसे इनकम्प्लीट में छोड़ना बिकॉज फिर माइंड से वो स्किप हो जाता है। तो देखिए रेंट वाला हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट पे है, प्लांट देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, प्लांट की वैल्यू गिवन देखिए यहाँ पर, देखिए प्लांट की वैल्यू गिवन है 12,50,000, और प्लांट पे देखिए यहाँ पर प्रोविजन बना रखा है 2.5 लाख का, 2.5 लाख का जो प्रोविजन बना रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा गिवन आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो आपको प्रोवाइड करें 20% वो किस पे निकलेगा, ये वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख, राइट, और 10 लाख का 20% कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके आपके पास टोटल इन हैंड जो वैल्यू होगी प्लांट की वो कितनी होगी 8 लाख रुपए की, राइट। सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा यहाँ पर 4.5 लाख रुपए का, राइट। सॉल्यूशन देखें यहाँ पर ध्यान से, देखिए प्लांट की वैल्यू कितनी है 12.5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया 2.5 लाख, 20% कितना हो गया 2 लाख, टोटल वैल्यू कितनी होगी 8 लाख, राइट। सेम फॉर डेप्रिसिएशन, इतनी इसके लिए इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका 10% ये और ये हो गया, राइट। अच्छा याद रखना इसका अगेन ये एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका डबल इफेक्ट कहाँ पर आएगा आपका नोट्स अकाउंट में, आप इसको डेप्रिसिएशन लिखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये रहा आपका, सॉरी जस्ट अ मिनट, डेप्रिसिएशन देखिए प्लांट एंड मशीन पे कितना 2 लाख, सर 2 लाख क्यों लिखा, टोटल अमाउंट तो सर आपने यहाँ पर लिखा 4.5 लाख होना चाहिए, नहीं आपको लिखना है जो एडिशन इन्फॉर्मेशन में एडिशन कितना क्रिएट हुआ वो लिखना आपको, तो 2 लाख इस पे और 50,000 से टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन कितना होगा 2.5 लाख रुपए का, राइट। बहुत ध्यान से करना देखो स्टूडेंट ये, चलिए हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद है मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स, देखिए डेटर्स कितने हैं टोटल 4 लाख रुपए के, 4 लाख रुपए के डेटर्स थे, इसके बाद हमने प्रोविजन बना रखा था कितने का 15,000 का, ठीक है। देखिए 4 लाख का, 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000 होता है, राइट। हमने पहले से जो 15,000 का प्रोविजन बना रखा था, राइट, डेट मीन्स हमें एडिशन और बनाना पड़ेगा, तो देखिए इसका डबल इफेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए 20,000 तो हमने पहले से बना रखा था, राइट, जस्ट अ मिनट, नहीं 20,000 हमने ये नया वाला है और 15,000 पुराने वाला, सो दैट मीन्स हमें एडिशन 5,000 और देना और हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट। अच्छा मैंने DD लिखा, दैट मीन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट। अब इसका इफेक्ट देखिए यहाँ पर कहाँ पर आएगा आपका, ये बैलेंस शीट में भी आना चाहिए आपका, तो देखिए मैंने इसको बैलेंस शीट में कहाँ लिखा होगा, ये देखिए डेटर्स 4 लाख के हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टोटल कितना हो गया 20,000 रुपये के, तो टोटल कितना आ गया 3,80,000 का, राइट। देन इसको तो हम बाद में देखेंगे इनकम टैक्स वाला, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। देन क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन आपको 10 लाख रुपए का, और स्टॉक हमें कितना गिवन है यहाँ पर आपको देखिए 2,25,000 का, तो देखिए इसका इफेक्ट देखिए कहाँ पर आएगा, पहले आप देखिए इसको यहाँ पर ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना हो गया, तो नेगेटिव में आ गया, राइट, दैट मीन्स नेगेटिव कितना हो गया 7,75,000, राइट। लेकिन आपको पता है इसका डबल इफेक्ट आएगा, डबल इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में अमाउंट, बैलेंस शीट में अमाउंट कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का, क्योंकि क्लोजिंग तो यही है ना, तो ये 10 लाख ही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं बैलेंस शीट में अमाउंट, तो चलिए ये भी हो गया हमारा। इसके बाद है ट्रांसफर 1 लाख, बस अब तो कुछ करना ही नहीं आपको, अब तो आपको बस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट में जितना जो भी करंट का प्रॉफिट होगा उसमें से 1 लाख जो प्रॉफिट जो है वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट, राइट। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, वन बाय वन, और पहले डेबिट बैलेंस उठाऊं, ठीक है, अब सारे आइटम को ट्रांसफर करते रहो। अब पहले आपको गिवन देखिए परचेजेस, परचेज देखिए कहाँ पर आएगा, ये रहा देखिए परचेजेस कितना है 43,85,000, और कुछ गिवन नहीं यहाँ लिख दिया मैंने। इसके बाद देखिए आपको गिवन है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स पे किया आपने, एडवांस टैक्स देखिए कहाँ पर आएगा आपका, ये आपकी आपकी क्या क्या कैटेगरी है, एसेट क्रेडिट हो रही है, राइट। सो देखिए एडवांस टैक्स पेड, ये रहा देखिए करंट एसेट आपकी क्रेडिट होगी 12,25,000 रुपये की, क्योंकि ये कहाँ पर जाएगा इसकी, इसका तो सिंगल इफेक्ट ही आएगा ना, तो ये क्या आएगा आपकी करंट एसेट आपकी। देन सैलरी 10,00,000, ये आपका आ जाएगा आपका एम्प्लॉइज उस बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा सैलरी 10,00,000 रुपये का, ये आ गया 10,00,000 रुपये, वेजेस है नहीं इस बार हमारे पास। चलिए अब हमारा देखिए परचेज हो गया, एडवांस टैक्स पेड हो गया। अच्छा ये ना मैं हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि जो टिक है वो सिर्फ किस पे है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे है। एक काम करते हैं मैं इसका ना कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, राइट। तो देखिए हमारा कॉल सिनेरियो भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे कहाँ पर जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा आपका 11,00,000 रुपये चला गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए सेलिंग एक्सपेंसिव हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, 50,000 है। डिबेंचर्स कितने के यहाँ पर देखिए, डिबेंचर है हमारे पास, अच्छा मैंने शायद, अच्छा ये अच्छा डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर भी गिवन है, ये आपके 56,000 से 5,000 रुपये की, राइट। अच्छा डिबेंचर कितने के, 5,00,000 रुपये के हैं, तो 12,00,000 का 5%, सॉरी 5,00,000 का 12% कितना होगा, 60,000 रुपये हो गया, राइट। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दर यहाँ पर, 50,000। यहाँ से देखिए 5,00,000 का जो आपका 12% बनता है, दैट इज़ द अमाउंट 60,000, राइट। एंड एज पर दिस कंपनी हैव पेड ओनली अमाउंट रुपीज 50,000, सो दैट मीन्स नाउ अब क्या हो गया, आपकी करंट लायबिलिटी क्रिएट होगी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अब तक बनाया नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करेंगे अब, इंटरेस्ट और डिबेंचर टोटल कितना है, 60,000 का है, और फिर इसको हम फाइनेंस कॉस्ट में चला गया, इसके बाद आपकी ये करंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो करंट लायबिलिटी में यहाँ पर इंटरेस्ट और डिबेंचर ये रहा 10,000 आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। देन आपका बैड डेट 25,000, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका अदर अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा बैड डेट 25,000। इसके बाद बैंक बैलेंस ये तो आप लिख दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, मैंने यहाँ कहाँ लिखा होगा इसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,25,000, ये भी हो गया हमारा। अब बिल्डिंग है हमारे पास कितने की, 5,25,000 रुपये की, क्या हमारी एसेट है, तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग लिखे है 5,25,000, टोटल हो गई है 17,75,000, ये भी हो गया हमारा। तो डेबिट बैलेंस सारे हो गए। अब आते हैं क्रेडिट पे, सबसे पहले आपको गिवन है सेल्स, तो सेल्स कहाँ जाएगा आपका, देखिए रेवेन्यू में जाएगा सेल्स, ये रहा 78,10,000। इसके बाद आपको गिवन है क्रेडिटर्स, आपको कितना गिवन है, दैट इज 2,50,000 का, तो ये आपको कहाँ चला जाएगा आपका करंट एसेट में, सॉरी करंट लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स 2,50,000 के हो गए। देन डिबेंचर्स 5,00,000 के हैं, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लिखोगे 5,00,000, और बाकी ये तो आपने यहाँ पर लिख दिया था 10,000 का आपका क्या है आउटस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन अब आपका क्या रह गया, फर्नीचर हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये आप रिजर्व में लिखोगे इसको, आप रिजर्व का हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम ये रहा 2,25,000। इसके बाद आपका है सरप्लस, करंट ईयर का सरप्लस का गिवन आपको 60,000, तो करंट ईयर का सरप्लस कितना है 60,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद आपका गिवन है इक्विटी से कैपिटल 10,00,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया, वो तो मैंने आम लोग को स्टार्टिंग में कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दैट्स इट। अब सबको आपको क्या करना है, टोटल करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले आपको प्रॉफिट निकालना है, बिकॉज जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 1,00,000 आपको जर्नलिज्म में ट्रांसफर भी करना है, राइट। तो देखिए कैसे करना है आपको इसमें, यहाँ पर आपको देखिए नोट्स अकाउंट बनाने के बाद ना आपको यहाँ पर आना है, राइट। देखिए इतना आपका रेवेन्यू था, अदर इनकम हमने कहाँ से देखा, नीचे से देखा, टोटल इतना आ गया, दोनों को ऐड करा तो आपकी टोटल इनकम बन गई ये। एक्सपेंस में देखिए आपके परचेज और स्टॉक इतना गिवन, आपका परचेजेस ये नेगेटिव में था, आपका चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अकाउंट। देन एम्प्लॉय बेनिफिट ये हो गया, फाइनेंस कोर्स आपका ये था, डेप्रिसिएशन टोटल इतना था, अदर एक्सपेंस थे, तो टोटल एक्सपेंस आपके इतना हो गए 61,20,000, राइट। अब इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपके पास हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट ईयर का टैक्स कितना बन रहा है आपका 5,22,000। सर आपने ये कैसे निकाला,
भाई सीधी सी बात है, साफ लिखा था 30%, तो 30% निकाल लिया मैंने इसका सीधा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपका 30% आपका टैक्स बन गया। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 12,18,000, राइट। एंड आपको ये पता चल के कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है, मैं रिपीट नहीं कर रहा इसको। इसके बाद आपको करना है बैलेंस शीट में आना है आपको। बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर है, जैसे शेयर कैपिटल आपने निकाले, यहाँ से रिजर्व टोटल सरप्लस का ये ले लिया, टोटल शेयर कैपिटल लिया गया। नॉन करंट लाइबिलिटी आपने नीचे से ले लिया आपने, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने टोटल नीचे से लिखा, सब मैंने देखिए सब टोटल मैंने नीचे से उठाया सारा का सारा। आप चेक चेक कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से शेयर कैपिटल कितना 9 लाख, यहाँ देखिए मैंने कहाँ लिखा था, ये 9 लाख, ठीक कवर है देखो। इसके बाद आपका है रिजर्व एंड सरप्लस 17,93,000। सो देखिए इसको मैंने कहाँ लिखा था, ये रहा देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितना था 2,90,000, इसमें से ट्रांसफर करते थे 1 लाख तो पीएनएल से आया, तो टोटल कितना हो गया जनरल रिजर्व का 3,90,000। ओपनिंग बैलेंस सरप्लस कितना था 60,000 था, करंट का प्रॉफिट कितना आफ्टर टैक्स 12,18,000 ऐड कर दिया, इसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल सरप्लस कितना होगा 11,78,000। अब इन दोनों को टोटल करेंगे, आपके पास टोटल जो आपके पास रिजर्व हो कितना बचा था आपका, अच्छा सॉरी, इसको भी लेंगे कितना हुआ 70 लाख, 17,93,000, वही मैंने ऊपर लिखा, दैट्स इट, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी मैंने आपको नीचे से उठाया। देन आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने कहाँ लिखा था, ये रहा देखिए, करंट ईयर का प्रॉफिट आपका कितना बन रहा था, देखिए इसमें से इतना और इसमें से मैंने ऐड कर दिया करंट ईयर का प्रॉफिट में से, आप ध्यान से देखिए ना, आपको सब कुछ गिवन था यहाँ पर। टोटल हमने किया था ना, ये कहाँ किया था हमने, ये वेट जस्ट अ मिनट, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन, आपको ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बना था 6,25,000, और हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट कितना बना था हमारा 5,22,000, टोटल लोग आपका 11,70,000, वही मैंने ऊपर लिखा था, दिस वन ट्रेड वेल आपका 2,70,000, अदर करंट लिविटीज हो गया टोटल लोग आपका ये। इसके बाद टोटल कहते हैं टेंजिबल एसेट्स कर लिया मैंने, जितनी भी हमारे पास एसेट्स की थी आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन टोटल ये आ गया आपके पास। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना गिवन था, इन्वेंटरी 10 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 3,80,000, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इतना हो गया, टोटल ये हो गया, यानी आपका ये एसेट को डेट सेट। देखिए मैंने आपको बोला ना कि वैसे तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बस याद रखना है कि कौन सा आइटम कौन से हेड में आएगा, दैट्स इट, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सोना लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एच, फॉलोइंग इज द टर्नओवर बैलेंस ऑफ द गिवन। आपको कॉल सेंटर गिवन है आपको 2 लाख का। अच्छा मैं एक्चुअली यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप सब भी लिख लेना इसमें, कि इसमें से आपका जो जितनी भी आपकी इशूड कैपिटल है, देखिए इसमें आपका
कॉलेज गिवन है आपको ये अमाउंट गिवन है आपको एज पर दिस, एंड ये आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है। ये आपको इश्यूड गिवन है, ब्रैकेट में लिखना है पर इश्यूड कितने गिवन है, 20 लाख रुपए की। तो देखिए 20 लाख ये अमाउंट गिवन है, दैट मींस वो कितना होगा, ये होगा आपका आपका 8 रुपीज 10 इंच के हिसाब से होगा, राइट। यानी कि 2 लाख रुपए के तो आपके क्या हो गए, ये इश्यूड शेयर्स हो गए, राइट। इसमें मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, यहाँ पर आपको जो है 80% आपके जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल है, 80% आपके सब्सक्राइब कैपिटल, दैट मींस इसमें से अगर 80% निकालोगे सो दैट मींस 1,60,000 जो आपके शेयर्स होंगे वो आपके सब्सक्राइब कैपिटल है, राइट, याद रखना इसमें। देन आपको परचेज गिवन है, एडवांस टैक्स पेड, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, लूल्स रूल्स, रेंट, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, प्लांट, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बैड डेट, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उन पर हम टिक करेंगे। पहला आपकी गिवन है ₹2 लाख इज द आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर इसको टिक करो। एडवर्टीजमेंट हमने टिक कर दिया। इसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट फर्नीचर, प्लांट और फर्नीचर पर देखिए टिक करिए, प्लांट ये रहा, फर्नीचर भी है, क्या प्रोविजन गिवन है, हाँ गिवन है, इस पर भी हमने टिक कर दिया। इसके बाद है मेंटेन करना हमें डाउटफुल डेट 5% का, तो डेटर पे यहाँ पर टिक करेंगे। इस रेट को हमें प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन फॉर डेट इस बार हमें गिवन नहीं है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट बैड डेट गिवन है। इसके बाद हमें गिवन है डेटर्स प्रपोज डिविडेंड, इसका अगेन हमें कुछ नहीं करना बिकॉज ये प्रपोज डिविडेंड है। देन हमें प्रोविजन बनाना इनकम टैक्स का एट दिस परसेंटेज, ट्रांसफर करना है 500 रुपये, जनरल से हमें क्लोज स्टॉक गिवन है 20 लाख रुपये। देखिए वैसे देखिए मोर लेस सिमिलर रही है प्रीवियस क्वेश्चन का, कुछ का ज़्यादा खास है नहीं। मैंने कहा था ना देखो वैसे तो ये और ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैंने सारे क्वेश्चन 5 साल के पेपर से उठाए आपके, राइट, बहुत ईजी है। अगर आपने ये इतनी मिस्टेक कर दी है, ये चैप्टर देखिए आपकी जो सेकेंड यूनिट आपकी वो 24 मार्क्स की है एज पर NEP, राइट। सो 24 मार्क्स दैट मीन्स आपका फाइनल अकाउंट एंड द कैश फ्लो ये दोनों मिला के आपके 24 मार्क्स के हैं, तो 24 नंबर तो आप आराम से लेके आ सकते हो। तो देखिए अब क्या करना है, अब देखिए स्थिति से आते हैं, पहले बात करते हैं हम इस पॉइंट की एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर देखिए मैंने कहाँ लिखा है इसको, ये क्या आपका एक्सपेंसेस है, यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर नोट्स अकाउंट में आइए, एडवर्टीजमेंट देखिए आपका जो है 10 लाख रुपए का है और 2 लाख रुपए का आपका क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो टोटल हो गया 12 लाख रुपए का, राइट। इसके बाद 2 लाख रुपए की आपकी क्या होगी, करंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो इसको देखो मैंने करंट लायबिलिटी यहाँ पर लिखा भी होगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 2 लाख रुपए, दैट्स इट, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस, कुछ नहीं आपको क्या करना है, देखिए प्लांट की वैल्यू कितनी है 25 लाख रुपए की है, प्लांट की वैल्यू एट कॉस्ट कितनी है 25 लाख, उसका आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना के बना रखा है 5 लाख रुपए का, तो दैट मीन्स अभी वैल्यू कितनी है 20 लाख रुपए की है। अब 20 लाख का आप 20% निकालोगे कितना जाएगा 4 लाख रुपए का, तो बस आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी 16 लाख की, दैट्स इट, और कुछ है नहीं, कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें आप चाहे WDV देख लो चाहे कुछ भी देख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब क्या करना है आपको इसमें, वो जो हमने पहले किया था, हमें पहले टेंजिबल वैसे देखिए यहाँ पर आपकी प्लांट मशीन कितनी 25 लाख रुपए की, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 9 लाख, सर आपने 9 लाख क्यों लिखा, अभी तो बताया मैंने, एक तो 5 लाख डेप्रिसिएशन और 4 लाख, राइट, तो टोटल हो गया 9 लाख। ये मैंने बैलेंस कहाँ पर लिखा, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, लेकिन जो हम PNL अकाउंट लिखेंगे उसमें सिर्फ उस डेप्रिसिएशन से हम 4 लाख रुपये लेके चलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसके डबल इफेक्ट कौन से 4 लाख रुपये होंगे, राइट। सेम फॉर फर्नीचर 1 लाख रुपये का हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 5 लाख रुपये का, चलिए ये भी हो गया हमारा। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%, तो देखिए डेटर हमारे पास डेटर्स कितने हैं 8 लाख रुपए के, इसका 5% कितना होगा 40,000, राइट, तो उसका तो कुछ करना है, देखिए सिंपल है, 40,000 हमने क्या किया प्रोविजन बना दिया। इसके बाद उसमें जाएंगे हम करंट एसेट में डेटर साइड जाएंगे,
डेटर्स ईयर आप इसमें से माइनस कर दिया, आपके टोटल डेटर्स कितने हुए 7,60,000, दैट्स इट, सिंपल है तो आपका, तो ये भी पॉइंट आपका हो गया। देन ये तो हम बाद में करेंगे, ट्रांसफर इन जनरेटर में क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 20 लाख रुपये का। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक में आपको पहले चेंजिंग स्टॉक आपने कर दिया, नेगेटिव बैलेंस आ गया। इसके बाद जब आप बैलेंस शीट में लिखोगे इसको करंट एसेट में स्टॉक में, अमाउंट कितना आएगा 20 लाख रुपये का, राइट। तो ये भी हो गया, बस अब तो क्वेश्चन आपका सिंपल, आपको क्या करना है, अब एक एक आइटम उठाना है और अपने उसको ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले गिवन आपको परचेजेस, परचेज देखिए कितना है 87,70,000, कहाँ पर जाएगा ये, परचेज में जाएगा ऑब्वियसली, कहीं जाएगा नहीं। सो नोट्स अकाउंट में मैंने परचेज में ले दिया 87,70,000। इसके बाद गिवन है एडवांस टैक्स पेड, ये कौन सा आपकी क्या बनेगा, आपकी आपकी बनेगी करंट एसेट, आपने आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स भर दिया तो आपकी क्या बनेगी करंट एसेट, तो यहाँ पे क्या बचाएगा ये रहा 24,50,000 रुपये। इसके बाद आपका है सैलरीज, ये आपको क्या बनेगा एम्प्लॉयज एक्सपेंस हो गया। अच्छा सैलरीज आपका आउटस्टैंडिंग में गिवन है 20,000 रुपये का, तो मैंने दोनों को ऐड करके दिया 20,20,000, दैट्स इट। इसके बाद सैलरीज बुक आपका लूज टूल्स आपके अगेन करंट एसेट है तो उसको मैंने करंट एसेट में रख दिया लूज टूल्स 2 लाख रुपये का। देन रेंट 11 लाख रुपये का, अच्छा रेंट में हमारा ठीक है, हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन तो कुछ नहीं, रेंट में देखिए, अच्छा प्रीपेड रेंट दोनों गिवन है, रेंट भी गिवन है प्रीपेड रेंट भी गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या, मैंने क्या कर रखा है, आपको प्रीपेड रेंट है तो आपकी करंट एसेट बनेगी 30,000 रुपये की, उसके बाद जब एक्सपेंस में डालोगे उसको आप, एक्सपेंस में रेंट आपका 11 लाख रुपये आ जाएगा, दैट्स इट। देन स्टॉक, ये तो हमारा पॉइंट हो ही गया स्टॉक वाला पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक बैलेंस से कैशिंग कैश इक्विपमेंट में चला जाएगा, बिल्डिंग पूरी गुड टेंजिबल एसेट में चलेगी सारी सारी, सेल्स सेल्स में लिख देंगे, क्रेडिटर्स को हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में देंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म डेट में देंगे। अच्छा देखना इसमें आपका 1,20,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनेगा, राइट, 1,20,000 का आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट का पे किया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 लाख का पे किया है, पे करना कितना कितना का चाहिए था 1,20,000 का, तो 20,000 भी आउटस्टैंडिंग है, तो 20,000 की क्या बनेगी करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म डेट में कितना चला जाएगा 10 लाख रुपये। देन जनरल रिजर्व ओपनिंग गिवन है आपको 5,80,000, और इसमें से हम जो हैं 5 लाख और ऐड कर देंगे तो 10,80,000 आपका जनरल रिजर्व का टोटल बन जाएगा, जो भी करंट का प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे उसको मिलाने में। देन कमीशन, ये रिसीट वाला अमाउंट याद रखना, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो ये इनकम अदर इनकम में चला जाएगा आपका ये। देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, राइट, प्रोविजन ऑफ टैक्स इसको पता आपको रिटर्न करना है, राइट। सो ये हमने सिंपल क्वेश्चन किए हैं, अभी मैं फर्दर और वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा इस चैप्टर के, थोड़े हम एडवांस करेंगे, ऑलराइट, थैंक यू।